नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ थ्री पैरेलल प्लेन्स आर गिवन, थ्री पैरेलल प्लेन गिवन है, इफ डिस्टेंस बिटवीन पी वन एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 1/3, डिस्टेंस बिटवीन पी वन एंड पी थ्री इन दोनों का डिस्टेंस दिया 2/3, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा प्लस म्यू, काफी सिंपल क्वेश्चन है। दो पैरेलल प्लेन अगर कभी भी दिए हों, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इक्वल टू जीरो, और दूसरा क्योंकि पैरेलल प्लेन है तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल सेम होंगे, तो डायरेक्ट लिखते थे हम डी वन माइनस डी टू अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। अब यहां पर एक चीज याद रखिए, जब इन दो डिस्टेंस निकालेंगे तो 4x - 2y + 4z लिखेंगे, तो आप देखिए क्या दिया, डिस्टेंस 1/3 इक्वल टू मॉड ऑफ 12 माइनस लेमडा या लेमडा माइनस 12 कुछ भी लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वैसे भी मॉड में होता है, अपॉन रूट 16 + 4 + 16, 32 + 4 ये हो जाएगा 6, यानी 1/3 इक्वल टू लेमडा माइनस 12 का मॉड अपॉन 6, ये कैंसिल 2 times, यानी ऐसा बोल सकते हैं लेमडा माइनस 12 इक्वल टू प्लस माइनस 2, लेमडा इक्वल टू 14, लेमडा इक्वल टू माइनस 2 लेंगे तो 10, मैक्सिमम वैल्यू बोली है तो ऑब्वियसली लेमडा की 14 लेंगे। इसी और पी थ्री का डिस्टेंस है 2/3, अच्छा इनके कोफिशियंट सेम ही है तो 2/3 इक्वल टू म्यू माइनस 6 अपॉन 4 + 4 + 1, यानी ये 3 हुआ तो ये कैंसिल, तो म्यू माइनस 6 इक्वल टू प्लस माइनस 2, म्यू इक्वल टू 8, म्यू इक्वल टू माइनस ऑफ 4, सॉरी प्लस ऑफ 4, प्लस ऑफ 4, पर आपको मैक्सिमम लेना है तो ऑब्वियसली इसका मैक्सिमम हुआ 14, इसका मैक्सिमम हुआ 8, दोनों को ऐड कर दीजिए, अगर मैक्सिमम नहीं बोला होता तो अलग बात थी, तो करेक्ट आंसर विल बी 22, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए एपीजीपी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है पर क्वेश्चन सिंपल है, समझने वाला है। इफ एबीसी आर इन एजीपी, एबीसी जो है वो जीपी में है पहली बार, ओके ये जीपी में ध्यान रखिएगा, और ये बोला है 3a 7b और 15c आर इन आर फर्स्ट थ्री टर्म एपी, अगर ये एपी में है तो आप बोल सकते हो 14b इक्वल टू 2 times मिडिल टर्म इक्वल टू 3a + 15c, द कॉमन रेशियो बिलोंग टू 0 to 1/2, मतलब आर की वैल्यू 0 से 1/2 में, देन फोर्थ टर्म ऑफ एपी यानी इसका नेक्स्ट टर्म बताना है। अब देखिए ये ए है, ये बी और ये सी, क्यों ना बी और सी को भी ए टर्म में ले लें, तो ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा ए आर और सी हो जाएगा ए आर स्क्वायर, राइट। तो हम अगर इसको रख दें तो 14 बी की जगह ए आर इक्वल टू 3a + 15 सी की जगह ए आर स्क्वायर, ए कंप्लीटली कैंसिल, तो आपको मिल गया 15r² - 14r + 3 = 0, यस और नो, 15r² - 14r + 3 = 0। अब मैं आपको बोलूं कि इसके फैक्टर बनाओ तो ये है 15 3 = 45, तो इसके ऐसे फैक्टर ले लीजिए कि 45 तो 9 5 जाएगा, तो 15r² - 9r - 5r + 3 = 0। देखिए आपने 3r कॉमन लिया तो 5r - 3 - 1 कॉमन लिया 5r - 3, तो r की दो वैल्यू आ गई, एक 3/5 एक 1/3। अब देखिए कई चीजें क्या इंपॉर्टेंट रखती हैं, अगर ये होता तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता, आर की वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में है तो 3/5 नहीं हो सकता, इसका मतलब आर की वैल्यू क्या हो गई 1/3। अब अगर आर की वैल्यू 1/3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट यहां पर आर की वैल्यू, तो ये हो गया, देखिए आपने जहां जहां क्वेश्चन लिखा था ए को ए के टर्म भी रहने दें 3a, बी की वैल्यू क्या हो गई, ए बी की वैल्यू हो गई ए आर, तो कितना हो जाएगा ए बाय 3, सी की वैल्यू क्या हो गई ए बाय 9, तो एक तरह से हमारे पास जो टर्म हो गए वो क्या हो गए, सोचिए हमारे पास पहला टर्म था 3a वही रहने दीजिए, अगला टर्म तो 7 × 7a/3, अगला टर्म है 15c तो 15 × a/9, यानी आप बेसिकली 5/3 भी लिख सकते हैं। अब आप बताइए कॉमन डिफरेंस क्या है, वो ऐड कर दोगे, कॉमन डिफरेंस होगा 7a/3 - 3a, यानी कॉमन डिफरेंस हो गया -9, तो -2a/3 ये ऐड कर दीजिए किसमें, 5a/3 में, तो 5a/3 - 2a/3 देन
थ्री ए बाय थ्री यानी ए, यानी नेक्स्ट टर्म होगा ए। कितना अच्छा समझने वाला क्वेश्चन था कि आपने एबीसी को पहले आर के टर्म में लिखा, वो एबीसी की वैल्यू रख के आर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, आर की वैल्यू आ गई, आर की ए की वैल्यू लेंगे, वो आर की वैल्यू जैसे आपने यहां रखी आपको एपी के तीन टर्म मिल गए, फिर फोर्थ टर्म बोला है, टेन टर्म आप कुछ भी बता सकते हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द बाइनोमियल एक्सपांशन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स क्यूब होल पावर एन इज एनसी थ्रू एनसी 23 मिनिमम वैल्यू ऑफ एन, अगर एक्स की मतलब एक्स का कोफिशियंट एनसी 23 है तो आपको इसके लिए मैंने एक डायरेक्ट टर्म बताया था कि अगर एक्स पावर जेड निकालना हो तो एन माइनस आर इन टू पी प्लस क्यू आर, एक्स पावर जेड के एक्सपांशन के लिए आपको एक डायरेक्ट ट्रिक्स बताई थी, सब यूज करिए, जो चीजें फाउंडेशन में पढ़ाई अगर उनको यूज करेंगे तो डेफिनेटली टाइम बचेगा। तो आप लिखेंगे एन माइनस आर एन माइनस ऑफ आर इंटू टू माइनस थ्री आर इक्वल टू वन, यानी टू एन माइनस टू आर माइनस माइनस फाइव आर इक्वल टू वन, यानी टू एन माइनस वन अपॉन फाइव इक्वल टू आर, ये आ गया, यानी कोफिशियंट ऑफ एक्स का ये टर्म आ गया। इसका मतलब लॉजिकली आपको मिलेगा एन सी टू एन माइनस वन अपॉन फाइव इक्वल टू एन सी 23, तो 2n माइनस वन अपॉन फाइव इक्वल टू 23, देन 2n माइनस वन इक्वल टू 23 इंटू फाइव कर दो 115, यानी 2n इक्वल टू 116, तो n इक्वल टू हो जाएगा ये कितना 558। बट यहां पर मिनिमम वैल्यू बोली है, कंफ्यूजन हो सकता है, एक चीज याद रखिएगा, ये तो निकला है पर ncr इक्वल टू होता है ncn माइनस r, हो सकता है इसके साथ भी कम हो जाए क्योंकि 58 एक ऑप्शन है पर उससे कम भी है, तो nc n माइनस टू एन माइनस वन बाय फाइव इक्वल टू एन सी 23, यानी 5n माइनस टू 3n प्लस वन अपॉन फाइव इक्वल टू 23, देन अगेन 3n प्लस वन इक्वल टू, ये तो मल्टीप्लाई होकर वही आएगा 115, तो 3n इक्वल टू 114। अब n को डिवाइड किया तो 3 टाइम्स और 2 8 38, यानी 38 भी हो सकती थी और 58 भी। अब क्वेश्चन में मिनिमम पूछा है तो मिनिमम इज 38, दिस इज द राइट आंसर, राइट। बहुत केयरफुल होके करिए, सबसे पहले तो x की पावर 1 का कोफिशियंट कौन सा होगा वो निकाला आपने r, अब r की ये वैल्यू भी हो सकती थी और एक n माइनस वाली भी हो सकती थी, उसको NC 23 से कंपेयर कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। नोट कर लीजिए, बस नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ अ टेंजेंट इज ड्रॉन पैरेलल टू द लाइन 6x + 18y - 11 इक्वल टू कर्व y इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री विच टचेस द कर्व एट द पॉइंट, ये कोई कर्व है, समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। इस कर्व पर मान लीजिए कोई इस तरह का कर्व है, इसकी एक टेंजेंट है, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बताना है और इसके पैरेलल एक लाइन के बारे में आपको पता है एक बार, पर आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पूछते तो आप से कर देते पर उन्होंने अल्फा बीटा बोला तो पर स्टम्प में दिया, तो क्या करोगे, बहुत ही सिंपल है, आपको पता है इस लाइन का स्लोप कितना है -1/3, तो इसका मतलब इसका अगर मैं स्लोप निकालू कर तो -1/3 से इक्वेट कर सकता हूं, डायरेक्टली करने की कोशिश करा करिए, जितना डायरेक्ट करेंगे उतना आपका टाइम सेव होगा, -x (2x) अपॉन x²-3 का होल स्क्वायर, दिस इज -1/3, राइट। ये क्या मिल गया आपको -x²-3 अपॉन x² - 6x² प्लस 9 इक्वल टू -1/3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक तरह से मिल गया 3x² प्लस 9 इक्वल टू x²-6x² प्लस 9, ये भी कैंसिल, x4 इक्वल टू 9x², यानी आप ऐसा बोल सकते हैं x² कॉमन ले लें तो x²-9 इक्वल टू 0, राइट। रूट निकालना है इसलिए तो एक वैल्यू आ गई 0, एक आ गई 3 और एक आ गई -3। अब ये 3 वैल्यू एक तरह से x मतलब अल्फा है और y मतलब बीटा है, अब अगर मैं x की वैल्यू मान लीजिए 3 लूं तो उसके कर x की वैल्यू अगर मैं 0 लूं तो y 0 मिलेगा तो उससे कोई मिलने, अब x की वैल्यू 3 ली तो 3 रखिए यहां पे तो 3 अपॉन 9 माइनस 3 यानी 3/6, तो y की वैल्यू होगी 1/2, और अगर x की वैल्यू मैं -3 लेता तो -3 लिखता तो -1/2। अब इनसे मुझे अपने ऑप्शन को वेरीफाई करना, जैसे अगर इससे करूं तो 6 = 18 प्लस 1 = 19, ये सेटिस्फाई हो रहा है, यही आंसर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, वैसे भी मॉड के टर्म में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है बात, नोट कर लीजिए क्वेश्चन।
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते देखिए क्या है, वन वन क्यू प्लस टू क्यू अपॉन वन प्लस टू, वन क्यू प्लस टू क्यू प्लस थ्री क्यू अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री, अप टू वन क्यूब प्लस टू क्यूब अप टू फिफ्टीन क्यूब, वन प्लस टू प्लस थ्री फिफ्टीन, माइनस वन बाय टू वन प्लस टू अप टू फिफ्टीन, यानी इसमें इस तरह के क्वेश्चन काफी सारे एपी में है, बट इसमें इन फिफ्टीन टर्म में से ये फिफ्टीन बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये तो डायरेक्टली हो जाएगा माइनस वन बाय टू, ये फिफ्टीन टर्म का समेशन फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन बाय टू, ये फोर से फोर टाइम कैंसिल तो माइनस सिक्सटी, यानी इस पूरे रिजल्ट में से हम बाद में एक बात याद रखेंगे कि माइनस सिक्सटी माइनस कर देंगे। अब हम केवल इस माइनस सिक्सटी करेंगे, इस पे करें तो ये वन क्यूब अपॉन वन है, तो इसका मैं अगर टी एन टर्म बोलूं तो आप एक बार में लिखते सिग्मा एन क्यूब अपॉन सिग्मा एन लिखते, को भी हम क्योंकि टी एन है ये तो इसका सॉल्व करते तो ये मिलता एन एन प्लस वन बाय टू, क्योंकि ये कैंसिल हो जाए। आप देखो टी एन से एस एन पे जाने का तरीका मैंने डायरेक्ट बताया था, एक स्टेप में लिखना वन बाय टू, ये सिग्मा एन स्क्वायर हो गया, ये सिग्मा एन हो गया, इसको भी डायरेक्ट बताया था कि एन एन प्लस वन बाय टू तो कॉमन पोर्शन है, तो टू एन प्लस वन बाय थ्री प्लस वन, ये भी फोर होता है वो कॉमन टू निकल के कैंसिल, तो एन एन प्लस वन एन प्लस टू अपॉन थ्री और एक टू, यानी सिक्स बचा, फिफ्टीन रख दो तो इसका सब मिल गया फिफ्टीन, ये सब करवाया हुआ था, सिक्सटीन बिल्कुल इसी तरह का आया था, फिफ्टीन प्लस टू सेवनटीन बाय सिक्स, सिक्स मतलब थ्री इंटू टू, ये देखिए ये फाइव टाइम कैंसिल और ये एट टाइम कैंसिल, राइट, तो ये हो गया फोर्टी इंटू सेवनटीन, तो सिक्स एट्टी माइनस ऑफ सिक्सटी, तो सिक्स ट्वेंटी इज अ राइट आंसर, राइट, सिक्स अब हो सकता ऑप्शन मैंने गलत दिया, सिक्स एट्टी, पहले इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम, फिफ्टीन सिक्सटीन एंड सेवनटीन, देखिए एन यहां पर होगा टू एन प्लस फोर, तो एक टू कॉमन निकल गया तो एन प्लस टू एन प्लस वन और एन बाय सिक्स, ठीक है, अब आपने रखा फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन, सेवनटीन फोर जा सिक्सटी एट, तो सिक्स एट्टी माइनस ऑफ वो जो करना था वो सिक्सटी, तो सिक्स ट्वेंटी इज अ राइट आंसर।